प्याने ले जाने के बाद जो वहाँ रात में मेरे साथ जो अंकित गरेस्पी ने आधी रात को मुझे उठा के अपने रूम में बुलवा कर वो जो प्रताड़ना दिया, बहुत ज़्यादा मतलब करण छोड़ देना, नहीं वस्त्र करना, ये सब जो भी उनकी जैसा लगा, गंदी गालियाँ, बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ दिया, जो भी अत्याचार करना है उन्हें मेरे साथ किए। पर उस वक्त मैं एक महिला कुछ नहीं कर सकती थी, सब आधी रात में उनके बीच में मैं क्या कर सकती, लेकिन कभी ये कल्पना मैंने की थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा उस समय टॉर्चर हुआ था, एनस में मिर्ची विर्ची डाले डंडे से, तो अभी भी ब्लड जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है। 2 साल से मैं इसलिए किसी को नहीं बोला क्योंकि वहाँ भी लगातार टॉर्चर हो रहा था जेल में। जब भी मैं बाहर निकल के अकेला घूमता रहा तो वहाँ के जो सिपाही थे वो बोलते थे मरेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बार बार मैं किसी को बोल भी नहीं पाया। मैंने सोचा अब तो मुझे मौत ही है, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद मैं जिंदा रहना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि जो कंडीशन मेरी ऐसी थी। वहाँ जेल में कई लोगों के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो मेरे एक शिक्षित होने का मतलब क्या, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये टीचर हूँ और मैंने कुछ नहीं किया, निर्दोष हूँ, फिर मैं इस चीज़ को क्यों नहीं लड़ूँ, क्यों नहीं लिखूँ, मैं लिखती हूँ, ये सोच कर मैंने लिखा, इस चीज़ को आगे किया ताकि और लोगों के लिए भी वो हो सके आने वाले दिन, क्योंकि हमारे आदिवासी बहुत सीधे साधे हैं, वो आज अशिक्षित है इसलिए जैसा चाहे वैसे उनके साथ शोषण कर रहे हैं और हो भी रहा है। काफ़ी लोगों का सहयोग है मेरे साथ, यही सहयोग, यही संगठन, ये जो है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, इसी से ही हम लोग को न्याय मिल सकता है। कि मेरे साथ मेरे जो घटना में जितने भी संगठन जुड़े हैं, जो ये काम किए हैं और मेरे को एक ताकत दिए हैं, और वहाँ पर काफ़ी दबाव पड़ा। टॉर्चर रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये जितने भी जनसंगठन हैं साथ रहें और जो मतभेद है उन चीज़ों को ख़त्म करना हो, तभी हो सकता है ये टॉर्चर और जेल में जो प्रताड़ना होती है कम हो सकती है। वहाँ कई लोगों से मिला तो उन लोग सिर्फ यही बात बोले कि आज तुम लोग जा रहे हो 2 साल के बाद, उन लोग साथ साथ 8-8 साल से पड़े हैं जेल के अंदर और वही यातना सह रहे हैं। मेरा और लिंगाराम की रिहाई के लिए जो एमनेस्टी के माध्यम से जो ये कदम उठाया गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग से कि बाकी और भी छत्तीसगढ़ के जेल में जो बंदियाँ हैं वो भी मेरी तरह बहुत पीड़ित है, उनके लिए भी आप लोग इसी तरह का समर्थन देते रहिएगा। और मैं आशा मेरी यही आशा है उनको उन्हें भी रिहाई करना है।